हेलो फ्रेंड्स, आज करने वाले हैं हम इस गाड़ी का इंजन फिटिंग। आप देख सकते हैं इसके गियर वगैरह, ये क्रैंक और ये रहा चैम्बर ये वाला। बाकी फटाफट से करते हैं इसकी फिटिंग चालू, और किस किस तरीके से कौन कौन सा सामान फिटिंग करना है वो भी आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा दोस्तों। बाकी फिटिंग चालू करते हैं। यारी छोटी वाली सापट इस माफी वाली वार्सल देख रहे हैं, ये वाली बार सर हमारी यहाँ लगेगी। ये वाली गरारी है, यहाँ हमें इस तरीके से यहाँ डाल देनी है। इस प्लस दूसरे नंबर की ये गरारी है, ये हमें यहाँ फिटिंग कर देनी है। और फ्रेंड्स, ये कट वाली बार सर होती है जो हमें इस चैम्बर में यहाँ पर लगानी है। आप देख सकते हैं ये वाली वार्सल यहाँ पे लगेगी, ये हमारी फिटिंग हो चुकी है। ये हमारी साफट इसमें फिट कर दी हमने, और ये हमारी दूसरी वाली साफट आप देख सकते हैं, इसमें जो गरारी है ये साफट में फिक्स ही है, इसमें लॉक होती है गरारी। बाकी इस गरारी को जो हमें फिटिंग करना है ये भी आप देख रहे हैं, सिलेक्टर जिसमें फंसेगा ये वाला हिस्सा इधर की तरफ ऐसे डालना है। और इसमें सिलेक्टर कौन सा कहाँ लगेगा वो भी आपको बताने वाला हूँ। जो सिलेक्टर सबसे बड़ा है वो हमारा सबसे नीचे लगेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से नहीं लगाना है हमें, हमें जो सिलेक्टर लगाना है इस तरीके से लगाना है। बाकी इसको बैठाते हैं। ये हमारा सिलेक्टर भी फंस चुका है दोस्तों। बाकी अब आती है हमारी इस गरारी की बारी, और ये वाली गरारी किस तरीके से लगेगी वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वाली गरारी आप देख रहे हैं, जो हमारी जो लगेगी वो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग होगी। और इसमें सिलेक्टर कौन सा लगेगा दोस्तों, अब इसमें जो सबसे छोटा वाला सिलेक्टर है वो बीच में लगेगा, देख सकते हैं कि हमारा सिलेक्टर फिटिंग हो चुका है। और जी जो ये वाला सिलेक्टर बचा है ये वाला हमारा सबसे ऊपर लगेगा, और किस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा सिलेक्टर दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये वाली जो गरारी हमारी आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा और गियर सिलेक्टर हमारा इस तरीके से। बाकी इसको फिटिंग कर लेते हैं। ये हमारी फिटिंग हो चुकी है। बाकी इसके बाद ये पिन, पिन में हमें ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा, जो कि आराम से, वैसे तो ये आराम से ही जाती है दोस्तों। ये पिन भी हमारी फिटिंग हो चुकी है। उसके बाद ये वाली वार्सल हमारी ये यहाँ पर लगेगी, और ये वाली जो गरारी हमारी आप देख रहे हैं ये वाली यहाँ पर फिटिंग होगी, और ये वाली गरारी ये यहाँ पर फिटिंग होगी। अभी गाड़ी हमारी न्यूट्रल है, अभी डालते हैं इसमें पहला गियर। ये डल गया हमारा पहला गियर। अब इस सापड़ को हम पकड़ रहे हैं तो इस सापड़ भी घूम रही है। अब करते हैं न्यूट्रल। अब आप देख सकते हैं ये सापड़ नहीं घूम रही हमारी, जब इस सापड़ को घुमा रहे हैं तो। अब डालते हैं दूसरा गियर, ये हो गया हमारा दूसरा गियर।
ये हो गया हमारा तीसरा गेयर। ये हो गया हमारा चौथा गेयर। ये हो गया हमारा पांचवा गेयर। बाकी करते हैं फटाफट से न्यूट्रल। अब ये गाड़ी हमारी हो चुकी है न्यूट्रल। अब गेयर बक्स हमारा बिल्कुल फिटिंग हो चुका है दोस्तों। बाकी फ्रेंड गेयर बक्स हमारा फिटिंग हो चुका है, आपने वीडियो में देख ही लिया। बाकी ये रिप्लेट इसकी प्लास्टिक की होती है, इसमें तीन एलंकी बोल्ट लगे होते हैं, इनको लगाते हैं। बोल्टों को सही से टाइट कर देने हैं फुल। बाकी फ्रेंड्स ये एलएनजी बोल्ट है, इसके पीछे दो पिनें होती हैं और जिन्हें निकालने के बाद हमारे हाइड्रोलिक टाइपिट बाहर आते हैं। बाकी हाइड्रोलिक टाइपिट इसके ठीक है गाड़ी के, तो हम इनको चेंज नहीं कर रहे हैं। बाकी इसका मैन बैरिंग फिटिंग करते हैं और बैरिंग किस तरीके से फिटिंग करा जाता है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये रहा इसका बैरिंग। और जब भी आप अपनी गाड़ी का काम करवाएं, गाड़ी वाले हैं या मिस्त्री मैकेनिक भाई हैं, जब भी डालें ओरिजिनल पार्ट ही डालें। ये हमारी क्रैंक में लगेगी कॉलर, आप देख सकते हैं ये वाली। बाकी ये रहा बैरिंग, रोलर बैरिंग। हमें चारों तरफ ऑयल लगा लेंगे क्योंकि बैरिंग हमारा आसानी से चला जाए। बाकी बैरिंग को करते हैं फिटिंग। ये लिए हमने हथौड़ी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा बैरिंग फिटिंग हो चुका है। बाकी करते हैं फिटिंग। बाकी फ्रेंड्स आपने पहले क्रैंक देखी थी किस तरीके से बात कर रही थी, क्रैंक में हमारी पिन डली है, बैरिंग डला है इसका रोलर। बाकी हमारी क्रैंक कंप्लीट हो चुकी है। बाकी इधर वाला कॉलर होता है बैरिंग का, वो भी हमने लगा दिया है इसमें। बाकी क्रैंक को करते हैं फिटिंग।
कि ये रहा दूसरा चैम्बर हमारा, इसके बैरिंग चेंज करते हैं, निकालते हैं फटाफट से, और बैरिंग किस तरीके से फिटिंग होंगे इसके वो भी आपको दिखाता हूँ। उसको पहले इनको निकाल लेता हूँ फटाफट से, फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये रहा इसका रोलर बैरिंग, आप देख सकते हैं फिटिंग करने से पहले ऑयल लगा लेंगे हल्का हल्का। बैरिंग हमारा फिटिंग हो चुका है, पलट देते हैं इसको। अब इसमें यहाँ पर एक वार्सल है, ये बड़ी सी जो यहाँ डलेगी इसके अंदर, फिर इसके बाद ये लॉक है, ये लॉक लगेगा हमारा, ये अंदर की तरफ ही लॉक लगेगा। और लॉक लगाने के लिए हमें लॉक प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये लॉक हमारा लग चुका है। और लॉक जब भी लग जाए उसके बाद इसे घुमा के देख ली कि लॉक हमारा सही से बैठ गया, घूम रहा है सही से, तो समझ लो आपका लॉक बैठ चुका है। बाकी ये रहा दूसरा वाला बैरिंग, इसे भी फिटिंग करते हैं निकल का ऑयल लगा लेना है हमें। इसी तरीके से हमारा दूसरा बैरिंग भी फिटिंग हो चुका है। Thank you.
ये वाला बैरिंग भी हमारा फिटिंग हो चुका है दोस्तों, बाकी चैम्बर को फिटिंग करने की तैयारी करते हैं। ये वाली इसकी कॉम बैरिंग की, ये वाली भी एक कोन है जो इसमें यहाँ डलेगी, इसे डालना ना भूलो दोस्तों। बाकी ये सब हमारा फिटिंग हो चुका है, बाकी इसका बॉन्ड वगैरह लगा देते हैं फटाफट से। इसमें पहले बॉन्ड लगा देते हैं और फिर इसका चैम्बर फिटिंग करते हैं। फ्रेंड्स बॉन्ड हमारी लग चुकी है चैम्बर पे चार तरफ, बाकी ये आर्मी रोटी से आपको शायद दिख रहा हो, मैं दो नटों के आठ नंबर के तो मैं भी चेक कर ले रहा है आर्मी रोटी से, अगर ढीले हैं तो टाइट कर दें। बाकी ये वाली वाटसन दोस्तों जो हमारी लगेगी, एक वाटसन हमारी यहाँ पर लगेगी इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये वाली वार्सल आपको दिखाते हैं, कट वाली वार्सल है इस तरीके की जो हमारी यहाँ पर लगेगी। इसको लगा लेते हैं फटाफट से, ग्रीस लगाते हैं और फिर चैम्बर को करते हैं फिटिंग। अगर ये वाली वार्सल दोस्तों हमारी सही से नहीं लगी थी तो हमारा ये गरारी साबुन वगैरह ये नहीं बनेगी। कई बार चैम्बर बैठाते हैं, चैम्बर बैठाने के बाद ये साबुन वगैरह ये गरारी वगैरह नहीं बनती है, वो इसी की प्रॉब्लम होती जाती है। बाकी लगाते हैं हल्का हल्का ऑयल इसके, इनमें हमने ऑयल वगैरह लगा दिया दोस्तों, थोड़ी सी अकेले वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है, बाकी चैम्बर करते हैं फिटिंग। चैम्बर हमारा फिटिंग हो चुका है दोस्तों, बाकी इसके नट बोल्ट लगा लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि नट बोल्ट लगाने में टाइम लगेगा, बाकी नट बोल्ट फिटिंग कर लेते हैं इसके।
बाकी इंजन हमने चढ़ा लिया दोस्तों क्लासिक का 500 का। वीडियो में आपने देख ही लिया इंजन किस तरीके से फिटिंग करा हमने, बाकी फटाफट से करते हैं इसकी फिटिंग चालू। बाकी फ्रेंड्स इधर से हमारा टाइमिंग वगैरह फिटिंग हो चुकी है, क्लच वगैरह उधर से फिटिंग हो ही चुका था। बाकी डिटेल वीडियो टाइमिंग वगैरह की मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं टाइमिंग गाड़ी की सेटिंग किस तरीके से करनी है। बाकी फटाफट से इसका सिलेंडर और हेड फिटिंग करते हैं इस गाड़ी में, और रिंग किस तरीके से बैठानी है उसकी वीडियो मैंने डिटेल वीडियो डाली रखी है, हेड की फिटिंग किस तरीके से करनी है उसकी भी डिटेल वीडियो डाल रखी दोस्तों। फ्रेंड्स हमने कार्बेटर वगैरह इसका लगा दिया है, ये सब रॉकर वगैरह लगा दिए हैं, बाकी बोतल में कर दिया है पेट्रोल, और फटाफट से करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और देखते हैं कितनी किक में स्टार्ट होती है इंजन मारने के बाद गाड़ी हमारी। बाकी करते हैं फटाफट से गाड़ी को स्टार्ट, कर दी चालू आते हैं Thank you.
सर्विस गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बाकी इसकी फटाफट से फिटिंग कर लेता हूँ, साइलेंसर वगैरह लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। और जो वाइट स्मोक आ रहा था हमारी गाड़ी में, वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ वो भी आपको दिखाता हूँ। ये रही गाड़ी दोस्तों, 500 cc, आप देख सकते हैं, और बहुत गंदी तरीके से वाइट स्मोक कर रही है गाड़ी। गाड़ी करते हैं अभी स्टार्ट। अभी आपने देखा किस तरीके से वाइट स्मोक कर रही है। फ्रेंड्स, गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है 500 cc। थोड़ी सी वीडियो लेट होगी हमारी इस गाड़ी की, बाकी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट फटाफट से। और जो वाइट स्मोक दे रही थी हमारी गाड़ी, वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई कि नहीं हुई वो भी आपको दिखाता हूँ। चलते हैं फटाफट, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। बाकी कर लिए चाबी ऑन। बाकी आपने देख ही लिया दोस्तों पहले किस तरीके से वाइट स्मोक कर रही थी हमारी गाड़ी। एक्सीलेटर देने पे जो वाइट स्मोक हो रहा था वो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।